आखिरकार निर्भया रेप कांड के चारों दोषियों को दी जाएगी फांसी। डीआरआई ने तारापुर एमआईडीसी से बरामद किया 485 किलो इफेड्रिन ड्रग। कलवा में पैदल चलती महिला से चैन छिनती करने वाला अपराधी हुआ गिरफ्तार। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर की एचआर तेज खबरों में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली एचआर तेज खबर है देश के बहुचर्चित निर्भया रेप कांड से संबंधित। निर्भया रेप कांड में चारों आरोपी दोषी ठहराए गए, उन्हें ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा भी सुनाई। पवन गुप्ता उम्र 25 वर्ष, अक्षय ठाकुर उम्र 31 वर्ष, विनय शर्मा उम्र 26 वर्ष, मुकेश सिंह उम्र 32 वर्ष। मगर इन चारों ने अलग अलग हथकंडे कानूनी दांवपेच अपनाते हुए कभी राष्ट्रपति के पास दया की अपील, रहम की अपील, कभी सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कारणों से अलग अलग पिटीशन फाइल करना। आखिरकार 19 मार्च को इनके सारे कानूनी दांवपेच खत्म हुए क्योंकि इनके द्वारा दायर की गई तमाम पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अब 20 मार्च को तय वक्त के हिसाब से इन्हें तिहाड़ जेल में फांसी चढ़ाया जाएगा। इस संबंध में प्रशासन ने पूरी तैयारी भी कर ली है तिहाड़ जेल में और सारी कानूनी रुकावटें दूर भी हो चुकी है। आखिरकार निर्भया का ये मामला बेहद कानूनी लड़ाइयों के बाद अपने अंजाम तक पहुंचता नजर आ रहा है। हमारी दूसरी खबर तारापुर एमआईडीसी क्षेत्र से। यहां पर डीआरआई की मुंबई यूनिट ने छापा मारकर 17 मार्च के दिन 485 किलो इफेड्रिन ड्रग्स बरामद किया है। ये तरल पदार्थ यानी लिक्विड फॉर्म में बरामद किया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई को मुखबिरों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई की गई है और जो जानकारी सामने आई है वो इस प्रकार है कि बंद पड़ी एक फैक्ट्री के प्रेमाइसिस को किराए पर लेबर बेसिस पर लेकर के यहां पर इफेड्रिन बनाने का काम किया जा रहा था। वहीं इस मामले में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों ने लैब जो है वो कोल्हापुर में बना रखा था, कोल्हापुर जिले के तालुका चांदगढ़ में। 89 लाख रुपए कीमत जो है 485 किलो इफेड्रिन की मार्केट के अनुसार बताई जा रही है। डीआरआई का ये 2020 का दूसरा सबसे बड़ा सीजर है। इससे पहले नवी मुंबई में इतनी बड़ी कार्रवाई डीआरआई ने की थी। किस तरीके से ड्रम में तरल पदार्थ के रूप में इफेड्रिन बनाया जा रहा था, लिक्विड फॉर्म में बनाया जा रहा था, उसकी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। एचआर तेज खबरों में हमारी तीसरी खबर कलवा से है। 2 से 3 दिन पहले ही हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें कलवा के आई नगर इलाके में नगर सेविका प्रमिला केनी के कार्यालय के सामने एक पैदल जाती हुई महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर एक चेन स्नैचर फरार हुआ था। कलवा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और मुखबिरों की मदद से नवी मुंबई के घनसोली परिसर से इस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराधी का नाम विशाल प्रकाश घोरपड़े, उम्र 33 वर्ष, घनसोली सेक्टर 16 का यह रहने वाला है और पुलिस ने मुस्तैदी के साथ सिर्फ 3 दिनों के भीतर ही जो है इस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। फिर से हम आपको सीसीटीवी फुटेज और अपराधी की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये थी आज की हमारी एचआर तेज खबरें। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली एचआर तेज खबरों के साथ।